हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 13 वीडियो है और पार्ट 13 वीडियो में प्रश्नावली 10.3 पे है और क्वेश्चन नंबर है 6। कह रहा है समांतर रेखाओं की बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए, ये दो आपकी समांतर रेखाएं हैं। कैसे समांतर रेखाएं हैं? क्योंकि देखिए यहाँ x का गुणांक y का गुणांक समान है, तो ये जो दो समांतर रेखाएं आप देख रहे हैं इनके बीच की दूरी निकालनी है। तो हम लोग फॉर्मूला में जानते हैं कि यदि आपके पास दो समांतर रेखाएं AX कैपिटल में ये ले लेते हैं प्लस में BY और प्लस में C1 बराबर 0 तथा दूसरी समांतर रेखा AX प्लस BY प्लस C2 बराबर 0 दिया हो, तो इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी निकालने के लिए हम लोग जानते हैं C2 माइनस C1 लिखिए या C1 माइनस C2 लिखिए, बटा में रूट अंडर A² प्लस B² ये रूल होता है। इसलिए पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दो समांतर रेखाओं कौन कौन सी समांतर रेखाओं हैं 15x प्लस 8y माइनस 34 बराबर 0 तथा 15x प्लस 8y प्लस 31 बराबर 0 के बीच की दूरी वह दूरी d जो है हम क्या किस तरह निकालेंगे, तो हो जाएगा देखो C2 माइनस C1 यानी 31 माइनस माइनस 34 और बटा में रूट अंडर 15 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 31 प्लस 34 और बटा में 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 64, हो जाएगा ना। चलिए अब देखिए क्या आता है, यहाँ पर ऊपर आपका 65 आ जाएगा और नीचे रूट अंडर 289 आ जाएगा। 289 कितना का स्क्वायर होता है? 17 का, यानी कि 65 बटा में 17 इकाई, 65 बटा में 17 इकाई हो जाएगा यह आपका आंसर। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी निकल गई, समझ गए। चलिए इसके सेकेंड नंबर भी वही क्वेश्चन है, देख रहे ना उसी टाइप का है। सेकेंड नंबर में देखिए, यहाँ पे मैं LX और LY प्लस P बराबर 0 तथा दूसरे को LX प्लस आपका हो जाएगा LY माइनस R बराबर 0, तो ये दोनों भी तो समांतर रेखाएं हो रही है ना जी। चलिए तो यहां देख रहे हैं ना, x का गुणांक y का गुणांक दोनों में सेम है, तो दूरी दोनों के बीच की क्या हो जाएगी, हो जाएगी, मैं इसको C2 इसको C1 ले लेता हूं, कोई प्रॉब्लम थोड़े है, P माइनस माइनस R बटा में रूट अंडर L² प्लस L², समझ गए। तो ऊपर आ जाएगा P प्लस R, आप इसको C2 और इसको C1 लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं था, वो मोड है पॉजिटिव हो ही जाता। नीचे रूट अंडर 2L², तो रूट से बाहर निकलेगा आपका, रूट से बाहर निकलेगा L² तेल हो जाएगा और रूट 2 बचेगा, यानी 1/√2 P प्लस R बटा में L इकाई, यह आपका आंसर हो जाएगा। दो समांतर रेखाओं की बीच की दूरी निकल गई। चलते अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर, कह रहा है रेखा 3x माइनस 4y प्लस 2 बराबर 0 के समांतर, यानी कि जितना इसका डाल होगा उस रेखा का भी उतना ही डाल होगा, और बिंदु माइनस 2,3 से जाने वाली रेखा का समीकरण। तो पहले तो उस रेखा का ढाल निकाल लेते हैं जो इसके ढाल के बराबर हो, क्योंकि रेखाएं समांतर है। तो 3x माइनस 4y प्लस 2 बराबर 0, तो मैं 4y को उधर लेके चला जाऊंगा, तो 4y बराबर में हो जाएगा 3x प्लस में 2, समझे ना, इसको भाग में ले जाएंगे तो y बराबर में 3/4x प्लस 2/4 यानी 1/2। तो यहां से इस रेखा का ढाल जो आया वह रेखा का ढाल 3/4 है, 3/4 है, तो इसका जो ढाल आएगा वही इसके समांतर खींची गई रेखा का ढाल होगा। 3x माइनस 4y प्लस 2 बराबर 0 के समांतर रेखा का ढाल, तो यही हो जाएगा और एक बिंदु दी ही गई है, तो इसलिए रेखा का समीकरण आपका हो जाएगा, रेखा का समीकरण y माइनस, देखो ये y1 है और ये x1 है, 3 बराबर में ढाल इंटू में x माइनस और यहां फिर माइनस 2 तो प्लस हो जाएगा x1। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, यहां पर क्या आता है, 4 आके इसमें गुना करेगा तो 4y माइनस का 12 और 3 इसमें गुना करेगा तो 3x प्लस 6, इन दोनों को उधर लेके चले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस का 4y, ये माइनस का 12 इधर आके प्लस का, तो 12 6 18 हो जाएगा,
ये आपका आंसर हो गया, रेखा का समीकरण निकल गया। चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहा है रेखा इतना पर लंब, अच्छा इस रेखा पर लंब और एक्स अक्ष पर तीन अंतःखंड काटने वाली रेखा का समीकरण हमें ज्ञात करना है। तो पहले तो उस रेखा का ढाल निकालना होगा। चलिए तो रेखा का पहले इस रेखा का ढाल निकालेंगे तो दूसरी वाली रेखा का ढाल भी हो जाएगा। तो यहाँ इस रेखा का जो समीकरण है, रेखा का जो समीकरण है दिया है एक्स माइनस सेवन वाई प्लस फाइव बराबर जीरो। सेवन वाई को उधर ले जाता है तो सेवन वाई बराबर एक्स प्लस फाइव, इसको भाग में ले जाएंगे सेवन को तो वन बाई सेवन एक्स और प्लस फाइव बाई सेवन। तो इस रेखा का जो ढाल होगा, रेखा का ढाल एक बटा सात हो जाएगा। तो लिखेंगे रेखा एक्स माइनस सात वाई प्लस पांच बराबर जीरो पर लंब रेखा का समीकरण, लंब रेखा का ढाल कैसे निकलेगा। तो हमें पता है कि अगर रेखाएं एक दूसरे पर लंब हो तो उनके ढाल का गुणनफल माइनस वन होता है। तो मैं अगर इसे एम वन मान लूं और दूसरे वाले को एम टू मान लूं, दूसरे रेखा का जो ढाल है उसे मैं एम टू मान लूं, तो लिख सकता हूं एम वन इंटू एम टू बराबर में माइनस वन। तो ये एक बट्टा सात है और गुना में एम टू बराबर में माइनस वन, ये जाके उधर गुना करेगा तो एम टू बराबर में आ जाएगा माइनस का सात। एम टू किसके बराबर हो जाएगा, माइनस के सात के बराबर, यानी रेखा का ढाल आपका आ गया, दूसरी वाली रेखा का ढाल यहां से हमारा निकल गया। तो रेखा का समीकरण जिसका वाई एक्स अक्ष पर अंतःखंड एक्स अक्ष पर अंतःखंड कितना दिया है, तो एक्स अक्ष पर अंतःखंड तीन है। एक्स अक्ष पर अंतःखंड कितना है, तीन है। तो उसका समीकरण क्या तो हो जाएगा, यहां से आप लोग जानते हो ना, मैंने बता रखा है वाई बराबर में एम एक्स माइनस डी, ये आपका रूल होता है। एक्स अक्ष पे अंतःखंड यहाँ डी है और एम क्या है, रेखा का ढाल है। यानी वाई बराबर में माइनस सात गुणा में एक्स माइनस डी का मान कितना है, तीन है। तो वाई बराबर में माइनस का सात एक्स और प्लस का इक्कीस, वाई माइनस का सात एक्स जो है इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा और बराबर में 21। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कह रहा है कि दो रेखाएं यदि हुई है जिनके बीच का कोण हमें ज्ञात करना है। तो पहले दोनों रेखाओं के बीच का ढाल हम लोग निकाल लेते हैं। माना दोनों रेखाओं का ढाल क्रमशः एम वन तथा एम टू है, यानी एक का ढाल एम वन है, एक का ढाल एम टू है, तथा बीच का कोण थीटा होगा या 180 माइनस थीटा भी हो सकता है। ठीक है, अगर दो रेखाएं एक दूसरे को ऐसे काट रही हैं तो अगर एक ये थीटा तो ये वाला कोण 180 माइनस थीटा, दो ही प्रकार के ना कोण बनेंगे। चलिए पहला लेते हैं समीकरण एक, रेखा का समीकरण जो दिया है, रेखा का समीकरण पहला लेते हैं, रूट तीन एक्स प्लस वाई बराबर एक। तो वाई बराबर में माइनस का रूट तीन एक्स प्लस वन, यानी यहां से इसका ढाल एम वन जो है ना वह माइनस का रूट तीन हो गया। रेखा का समीकरण, दूसरी रेखा का जो समीकरण दिया उसको लेते हैं, एक्स प्लस रूट तीन वाई बराबर में वन, यानी कि रूट तीन वाई बराबर में माइनस का एक्स प्लस वन, ये जाएगा भाग में तो y बराबर में हो जाएगा माइनस वन बटा रूट थ्री एक्स प्लस वन। तो यहां से ढाल दूसरा जो है, दूसरी रेखा का ढाल माइनस वन बाई रूट थ्री आया। अब दोनों के बीच के कोण निकालने के लिए मैंने आपको बता रखा है टेन थीटा बराबर एम वन माइनस एम टू करिए, चाहे एम टू माइनस एम वन करिए, एक ही बात है, एम वन माइनस एम टू बटा में वन प्लस एम वन इंटू एम टू, ऐसे ही ना करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं, चलिए अब वैल्यूज को रखते हैं, क्या होता है यहां पर देखते हैं क्या हो जाएगा। यहाँ पर m1 के जगह पर मैंने माइनस रूट थ्री रख देना है, मैं m1 m2 किसी को भी मान सकता हूँ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। माइनस यहाँ पर माइनस वन बाई रूट थ्री, तो प्लस हो जाएगा वन बाई रूट थ्री बटा में वन प्लस माइनस का रूट थ्री और इंटू में माइनस का वन बाई रूट थ्री। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, तो देखो ना उसको एलसीएम लेके घटा सकते हैं, टेन थीटा बराबर में ऊपर एलसीएम लेंगे रूट थ्री
माइनस थ्री हो जाएगा और प्लस में वन, और बटा में देखो नीचे रूट थ्री से रूट थ्री कटेगा, ये माइनस वन माइनस प्लस वन हो जाएगा और वन वन टू आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसे। चलिए आगे ऊपर घटाते हैं, टेन थीटा बराबर में ऊपर माइनस का टू बटा रूट थ्री बटा टू, ये कट जाएगा, टेन थीटा बराबर में वन बाई रूट थ्री आ जाएगा। तो वन बाई रूट थ्री कितना डिग्री का होता है टेन में, थर्टी डिग्री का ना, टेन थर्टी का ही होगा, यानी कि थीटा बराबर में थर्टी डिग्री, या दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा कोण जो होगा 180 माइनस थीटा भी है ना जी, 180 माइनस थीटा यानी 180 माइनस में 30, 150 डिग्री, तो 30 डिग्री या 150 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कह रहे बिंदु एच कॉमा थ्री और फोर कॉमा वन से जाने वाली रेखा, इन दोनों बिंदुओं से जाने वाली रेखा, रेखा इतना को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है, तो एच का मान, तो हम लोग दोनों का ढाल निकाल के और दोनों के दोनों का गुणनफल माइनस वन के बराबर कर देंगे तो एच का मान आ जाएगा। तो लिखेंगे बिंदुओं एच कॉमा थ्री और फोर कॉमा वन से होकर जाने वाली रेखा का ढाल, यानी कि मैं इसे एम वन मान लेता हूं, तो क्या हो जाएगा, थ्री माइनस वन बटा में एच माइनस फोर, ठीक है, तो एम वन बराबर में यहां से आ जाएगा टू बटा में एच माइनस फोर, एक रेखा का ढाल आ गया, समझ गए ना बात को। चलिए अब देखते हैं दूसरे वाली रेखा, रेखा का समीकरण दिया है, रेखा का समीकरण दिया है सेवन वाई सेवन एक्स माइनस नाइन वाई माइनस नाइनटीन बराबर जीरो, इसको उधर ले लेते हैं तो नाइन नाइन वाई बराबर में हो जाएगा, नाइन वाई प्लस में हो जाएगा और बराबर में हो जाएगा सेवन एक्स माइनस नाइनटीन, इसको भाग में ले जाएंगे वाई बराबर में सात बटा नौ एक्स माइनस का उन्नीस बटा नौ, तो यहां से इस रेखा का ढाल क्या आ गया, एम टू मान लिया, क्या आ गया सेवन बाई नाइन आ गया, सेवन बाई नाइन आ गया, और चूंकि दोनों रेखाएं एक दूसरे पर लंब है, एक दूसरे पर समकोण पर प्रतिच्छेद करती है, चूंकि रेखाएं समकोण पर प्रतिच्छेद करती है, समकोण पर काटती हैं, रेखाएं समकोण पर काटती हैं, इसका मतलब उनके ढाल का जो गुणनफल होगा ना वह माइनस वन के बराबर होगा, दो बटा एच माइनस फोर और इंटू में सेवन बाई नाइन बराबर में माइनस का वन, समझ गए ना। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, तो ऊपर 14 आ जाएगा और बटा में 9 इंटू एच माइनस फोर बराबर में माइनस का 1, ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, अब मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, तो एक काम करता हूँ यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस 9 एच इंटू फोर, समझ गए ना, बराबर में 14 आ जाएगा, माइनस का 9 उधर भाग में भेज दें तो एच माइनस फोर बराबर में 14 बटा में माइनस का 9, 14 बटा में माइनस का 9, तो माइनस ऊपर भी लगा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, ये माइनस का उधर रखे प्लस का, माइनस 14 बटा 9 और प्लस में 4, एलसीएम लेके घटा देते हैं तो एच बराबर में हो जाएगा, एलसीएम 9 होगा, माइनस का 14 और प्लस में 36, तो एच बराबर में कितना आ जाएगा यहाँ से, एच बराबर में 22 बटा में 9, समझ गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हैं आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, सिद्ध कीजिए कि बिंदु एक्स वन वाई वन से जाने वाली रेखा एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो के समांतर रेखा का समीकरण यह होगा, ये साबित करना है, तो रेखा एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो के समांतर रेखा है ना, पहले इसका ढाल निकाल लेते हैं, रेखा इतना का ढाल, क्योंकि इसका ढाल जो होगा वो समांतर रेखा के ढाल के बराबर होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स माइनस का सी, इन दोनों को उधर ले आए, वाई बराबर में आ जाएगा माइनस ए बट्टा बी इंटू एक्स प्लस माइनस का सी बट्टा बी, तो इस रेखा का ढाल वह क्या हो जाएगा, रेखा का ढाल माइनस का ए बट्टा में बी, ठीक है, चूंकि रेखा एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो के समांतर है इसलिए दोनों रेखाओं का ढाल बराबर होगा,
ढाल बराबर होगा, ढाल बराबर यानी ढाल भी इसका यही आ जाएगा। तो बिंदु बिंदु x1 y1 से गुजरने वाली रेखा का ढाल, रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, y माइनस y1 बराबर में ढाल यानी माइनस a बटा b इंटू में x माइनस x1, या केस में गुना कर जाएगा b इंटू y माइनस y1 बराबर में माइनस a इंटू x माइनस x1, इसको इधर आते हैं प्लस का, तो a इंटू x माइनस x1 प्लस b इंटू y माइनस y1 और बराबर में जीरो, आपके रेखा का समीकरण आ गया। यही ना मैं साबित करके दिखाना था, देखे ना कितना सिंपल सा क्वेश्चन है यह। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कह रहा है कि बिंदु 2.3 से जाने वाली दो रेखाएं परस्पर 60 डिग्री के कोण पर प्रतिच्छेद करते हैं। चलिए फिगर भी ऐसे बना सकते हैं, ठीक है, फिगर भी मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। या दो रेखाएं हैं जो एक दूसरे को कितना पर काटती है, बिंदु इतना से जाने वाली दो रेखाएं परस्पर, यानी कि ये दोनों यहीं से जा रही है, एक दूसरे पर कितना डिग्री का कोण बनाती है, परस्पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। यदि एक रेखा का ढाल यानी मान लीजिए अगर मैं इसको ये मन मान लूं और इसका ढाल 2 दिया है, तो हमें दूसरी रेखा का समीकरण निकालना, तो पहले तो हमें दूसरी रेखा का ढाल निकालना होगा। माना रेखाओं का ढाल क्रमशः m1 तथा m2 है, और m1 बराबर मान लेते हैं 2, m2 हमें पहले निकालना पड़ेगा, तभी हम लोग रेखा का समीकरण निकाल पाएंगे। और एक बिंदु दिया ही है, ढाल निकल जाएगा तो समीकरण भी निकल जाएगा। चलिए माना दोनों रेखाओं के बीच का कोण थीटा है, यानी कि थीटा का मान कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, tan थीटा बराबर में m2 माइनस m1 बटा में 1 प्लस m1 m2, ये भी चलेगा, या m1 माइनस m2 भी कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। tan 60 बराबर में m2 का मान m2 ही रहने देते हैं, अच्छा, और m1 का मान आपका 2 है, बटा में 1 प्लस m1 m2 यानी कि 2m2 है ना, m1 का मान मैंने रख दिया। चलिए अब यहां पर देखो, tan 60 का वैल्यू रूट 3 m2 माइनस 2 बटा में 1 प्लस 2m2, यही ना हो जाएगा आपका। तो ये प्लस माइनस दोनों में होगा अगर मोड हटाएंगे तो, ठीक है, तो एक एक करके दोनों लेते हैं, m2 माइनस 2 बटा में 1 प्लस 2m2 बराबर रूट 3, और माइनस का m2 माइनस 2 बटा में 1 प्लस 2m2 बराबर में रूट 3, ठीक है, यह जाके उधर इंटू करेगा, m2 माइनस 2 बराबर में रूट 3 प्लस 2 रूट 3m2, समझ गया ना, माइनस का 2 इधर लाते हैं और ये इधर ले जाते हैं, ये आके इधर प्लस कर जाएगा 2 रूट 3m2 और प्लस में m2 बराबर में, या कि इधर प्लस का होगा ना रूट 3 प्लस 2, यहां से क्या कॉमन होगा आपका m2 कॉमन हो जाएगा, तो 2 रूट 3 प्लस 1 m2 बराबर में रूट 3 प्लस 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना जी। चलिए अब इसको भाग में भेज देते, तो m2 बराबर में रूट 3 प्लस 2 बटा में 2 रूट 3 प्लस में 1 हो जाएगा। दूसरी वाले को भी यहीं पे सॉल्व कर देते हैं, ये चाहो तो माइनस उधर ही लगा दो, ठीक है, या इधर भी रहने दे सकते हैं, ये ले जाके सिर्फ इंटू करो, माइनस का m2 यहाँ माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा बराबर में रूट 3 प्लस 2 रूट 3 m2, ठीक है, समझ रहे ना, इसको इधर लेके आते हैं, 2 माइनस रूट 3 बराबर में 2 रूट 3 m2 और प्लस में m2। चलिए यहां से 2 माइनस रूट 3 बराबर में 2 रूट 3 प्लस 1 m2, ये आ जाएगा आपका भाग में, ठीक है, यह आ जाएगा आपका भाग में 2 माइनस रूट 3 बटा में 2 रूट 3 प्लस 1 बराबर में यह m2 का यह वैल्यू हुआ। तो एक एक करके रेखा का समीकरण किस बिंदु से गुजर रही है, जो बिंदु 2.3 से गुजरे, जो बिंदु 2.3 से गुजरे
गुजरे तथा ढाल, तथा ढाल एक करके दोनों दो समीकरण आएंगे, रूट थ्री प्लस वन बटा में टू रूट थ्री प्लस वन, ये वाला रूट थ्री प्लस टू बटा में रूट थ्री प्लस टू रूट थ्री प्लस वन क्या हो जाएगा, वाई माइनस थ्री बराबर में ढाल, ठीक है, और इनटू में एक्स माइनस टू, समझ गए, ये लाके इसमें गुना करते हैं तो टू रूट थ्री प्लस वन वाई इसमें गुना होगा तो माइनस का छह रूट तीन देख लीजिए और माइनस का तीन बराबर में एक्स से गुना होगा यहां पे तो रूट थ्री प्लस टू या टू प्लस रूट थ्री एक्स और ये इसमें गुना होगा तो माइनस का टू रूट थ्री और माइनस का, अच्छा इसमें इनटू हो रहा है माइनस टू से तो माइनस का टू रूट थ्री और माइनस का फोर, समझ गए ना। अब देखिए एक्स वाले को एक तरफ और सभी कांस्टेंट को एक तरफ, मुझे इसमें कुछ गलत लग रहा है, हम लोग ऊपर यहाँ पे गलती कर दी है, देखिए यहाँ जो प्लस वाला है इधर आके ये माइनस में होता, देख रहा है ना माइनस में होगा, थोड़ा सा यही मिस्टेक हो गया, हम लोग ध्यान नहीं दिए हैं, चलिए आप लोग सुधार लीजिएगा, यहाँ पे ये माइनस में होगा, ध्यान से देखेंगे यहाँ यह माइनस में होगा तो यहाँ जब ये जाके इसमें गुना करेगा तो प्लस का और यहाँ माइनस का, ठीक है। अब एक तरफ करते हैं, ठीक है, एक तरफ करते हैं, चलिए तो अब क्या हो जाएगा, इसको वाई वाले को उधर भेज देते हैं और इन दोनों को इधर लाते हैं, छह रूट तीन माइनस तीन प्लस का दो रूट तीन प्लस चार बराबर में रूट थ्री प्लस टू एक्स, या देखो ये इधर आएगा ना तो माइनस वाला प्लस में कर दो और प्लस वाला माइनस में कर दो तो टू रूट थ्री माइनस वन वाई। अब देखो यहां सॉल्व करेंगे तो इसे मैं पहले भी लिख सकता हूं टू प्लस रूट थ्री एक्स भी लिख सकते हैं या रूट थ्री प्लस टू भी लिख सकते हैं, प्लस टू रूट थ्री माइनस वन वाई और बराबर में ये दोनों जुड़ेगा तो आठ रूट तीन और प्लस में वन, इस रेखा का समीकरण हो जाएगा। उसी तरह दूसरी रेखा का समीकरण के लिए, रेखा का समीकरण क्योंकि ढाल अभी अलग हो जाएगा ना जी, जो बिंदु दो कोमा तीन से गुजरे तथा जिसका ढाल क्या हो जाए तो आपका ऊपर हम लोग निकाले हैं यहां पर ढाल टू माइनस रूट थ्री बटा में टू रूट थ्री प्लस वन, टू माइनस में रूट थ्री बटा में टू रूट थ्री प्लस वन, यही ना, चलिए तो निकाल देते हैं क्या हो जाएगा, वाई माइनस थ्री बराबर में ढाल और इनटू में एक्स माइनस टू, क्या इसको लाके इधर गुना करते हैं तो वन प्लस टू रूट थ्री वाई और माइनस सिक्स रूट थ्री और माइनस का थ्री, तीन दुना है ना, तीन एकम तीन हो जाएगा, इसमें इंटू करोगे तो टू माइनस रूट थ्री एक्स और यहां देखो माइनस टू से इससे इंटू होगा तो माइनस का चार और ये माइनस माइनस प्लस टू रूट थ्री, समझ गया ना। अब चलिए इसको ना मैं एक काम करता हूं, इस एक्स वाले को इधर भेजता हूं तो प्लस वाला माइनस में माइनस वाला प्लस में, यही पलट देते हैं, रूट थ्री प्लस का हो जाएगा टू माइनस का चला जाएगा और प्लस में वन प्लस टू रूट थ्री वाई, इन दोनों को उधर भेज देते हैं, माइनस चार प्लस दो रूट तीन प्लस छह रूट तीन और प्लस का तीन, चलिए आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है, ये वाई बाहर है आपका, समझ रहे ना, यही वाला मैंने लिखा है, चलिए तो क्या हो जाएगा यहां से, रूट थ्री माइनस टू एक्स प्लस में वन प्लस टू रूट थ्री वाई बराबर में माइनस का एक और प्लस का आठ रूट तीन, यह आपका आंसर। तो दो हमारे रेखा का समीकरण निकल के आ गया, समझ गए। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे इन करते हैं, आप हमारे तीन चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है भारती भवन रवि कांत सर और तीसरा है रवि कांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए आप www.ravikantsir.in पर जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, सीधे जाके ये गूगल पे आपको सर्च करना है।